यूपी के कौशाम्बी जिले के सराय अकेल थाना क्षेत्र में होली के दिन पेट्रोल पंप पर हुई लूट का पुलिस की टीम ने खुलासा कर दिया है। पुलिस टीम ने कोटिया पावर हाउस के पास से दो लूट के में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। और आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार सहित लाखों का सामान और नकदी बरामद की है। देखिए, दिनांक 17/3/2022 को रात्रि करीब 10:30 और 11 के बीच में बेनीराम कटरा थाना सराय अकील क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें एक एसआर के पेट्रोल पंप से छह लोगों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर छह लोग आए और उनके द्वारा जो पेट्रोल पंप पे जो वहाँ पे उनके मुनीम थे उससे 5,000 रुपये लूटे और उनका मोबाइल लूट के लोग ले गए थे। इसी पर थाना सराय अकील में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और तभी हमारी जो एसओजी टीम है और थाने की जो टीम है वो लगातार इस पर काम कर रही थी। आज 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। एक है महेंद्र केसरवानी, ये थाना करेली प्रयागराज के रहने वाले, मोहम्मद शाहनवाज उर्फ सानू, मोहम्मद हसन पुत्र मोहम्मद सरफराज, समीर पुत्र मोहम्मद यूसुफ और एहतेशाम अंसारी पुत्र रईस, ये सभी लोग थाना करेली के रहने वाले हैं और प्रयागराज जनपद के रहने वाले हैं। इनकी जो मोड्स ऑफ ऑपरेंडी ये थी कि रात्रि करीब 8 बजे ये शाम को निकलते थे और सुबह 5 बजे तक जहाँ भी इनको मौका मिलता था वहाँ ये इस तरह की घटना है, किसी से मोबाइल छीन लेना या किसी से इस तरह की घटनाएं लगातार करते रहे जनपद में, जो कि कुछ घटनाएं रिपोर्ट हुई कुछ घटनाएं नहीं रिपोर्ट हुई। और इनकी जो जानकारी की गई इनसे तो ये जानकारी मिली कि इनके द्वारा ही ये जो लूट और डकैती की जो घटना थी इनके द्वारा कारित की गई थी। और एक इनके एक सदस्य जफर आलम जो थाना पीपरी क्षेत्र में ये घटना 31 तारीख में घटित हुई थी, जिसमें कि पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/